Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senoritas going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, हम फाइनली आ चुके हैं संदेश के तीर्थगौल गांव में, जहां पर हम मेरे पीछे आप देखिए, ये सोन है, सोन नदी है जो बहुत लंबी है और इसमें बहुत सारी कटाई चल रही है, बालू की कटाई, और काफ़ी ये देखिए नीचा हो चुका है, इसमें पानी भी कम है। देखिए पानी उधर बहुत दूर है और बहुत सारी गड्ढा हो चुका है बालू की कटाई होने के कारण। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर 26 जनवरी यानी कि सिर पंचमी के दिन यहाँ पर बहुत मेला लगाया जाता है, और ये बोला जाता है कि बहुत मान्यता है, यहाँ के एक ब्रह्म बाबा हैं और उनकी बहुत सारी कृपा है, बहुत सारी महिमा है, जिसके कारण से यहाँ पर मेला लगाया जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। सो देखिए, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का व्यू, बहुत प्यारा है। यहाँ पर एकदम पूरा काम चल रहा है, ये देखिए काम पूरा हो रहा है। और चलिए आप लोग को ब्रह्म बाबा का भी दर्शन कराते हैं, और यहाँ पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए 26 तारीख को। यहाँ पर लाखों के तादाद में लोग आते हैं और बहुत भीड़ लगती है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर आएँ आप लोग तो अपने बच्चे फैमिली को बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर थाना पुलिस भी रहता है, लेकिन वो कितना किसी का बचाव कर सकता है, जब खुद को आप खुद नहीं बचाव करिएगा तो चलिए देख आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। बहुत सारा खाने का भी व्यवस्था बहुत सारा किया जाता है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा मेला का तैयारी चल रहा है, ये देखो गाइस, तरह तरह का यहाँ पर झूला वगैरह लगाया गया है, टिकट घर सब बहुत सारा यहाँ पर, बहुत आप आकर मस्तियाँ कर सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा झूला लगाया जाता है, और वैसे बहुत इससे भी बहुत बड़ा बड़ा झूला लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन मना कर दिया है कि ज़्यादा झूला नहीं लगाना है, और कुछ भीड़ पर भी नियंत्रण रखा जाएगा ताकि कोविड ना फैले, लेकिन वैसे भी भीड़ तो लगेगा ही, और बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। सो आप लोग वसंत पंचमी के इस पावन मेला में ज़रूर आए, और यहाँ पर आप लोग को चलिए दिखाते हैं, मिठाइयाँ की दुकान भी कुछ लग चुकी हैं, तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं। और चचा, क्या मतलब मेला की तैयारी, बसंत पंचमी 26 तारीख को आ रहा है ना, उसी के लिए सब ये सब व्यवस्था किया जा रहा है, पूरा व्यवस्था रहता है खाने पीने का। और भीड़ कितना लगता है आप अपने? हद से ज्यादा लगता है। हद से ज्यादा ना, तो क्या क्या मतलब ये रहता है कि अगर कोई आए, कोई अनजान व्यक्ति कहीं हमारे वीडियो के माध्यम से देख कर घूमने के लिए, तो उसको क्या क्या बचाव करना चाहिए यहाँ पर आने के बाद? जैसे कि भीड़ तो बहुत ज्यादा रहता है, तो अपने बाल जो बच्चा वगैरह रहेगा उसके लिए अपना बहुत सारा व्यवस्था करके आना चाहिए, यही ना? अपने से सेफ्टी में पूरा आना चाहिए। सेफ्टी मिलता है रहने के लिए? यहाँ पर मिलता है, वहाँ पे सर पंडाल लगता है, चरमान के पास लगता है सामने। अच्छा, वहीं पे नाइट में आकर रहते हैं लोग, और बिहानी वाले मेला घूम घूम के जो है शाम तक चले जाते हैं एक दिन। अच्छा, इसकी तैयारी हो रही है, तो प्रोग्राम की भी तैयारी यहाँ पर चल रही है। सो आप लोग जरूर यहाँ पर आने की कोशिश करें टाइम लगाकर। तो चलिए दिखाते हैं, जिनके महिमा से इतना सारा काम होता है ब्रह्म बाबा, उनका आप लोग को दर्शन करा रहे हैं, चलिए आइए।
प्रणाम बाबा। जय 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 कॉल जाए समता। सब बाबा ठीक है गाइज, यही ब्रह्म बाबा हैं जिनके महिमा से यहाँ पर बसंत पंचमी में इतना ज्यादा भीड़ लगता है। मतलब आपने देखा ही ना, वो जो दुकान पर हमने गए उनसे पूछा कि कितना ज़्यादा भीड़ लगता है, तो उन्होंने बोला कि हद से ज़्यादा, तो बहुत भीड़ लगता है। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ और आइएगा तो मतलब दिल आपका गदगद हो जाएगा। और चलिए पुजारी बाबा से हम लोग बात करते हैं, पूछते हैं कि महिमा का राज क्या है। हाँ तो बाबा बताइए अपना नाम और ब्रह्म बाबा के बारे में कुछ बताइए। लगने वाला मेला तिरथौल ब्रह्म स्थान में बहुत से भक्त आते हैं, इतने भक्त आते हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है, लाखों की भीड़ होती है। और यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है कचवनिया और ठेकुआ है, जिसको बहुत लोग कसार भी कहते हैं। कचवनिया और ठेकुआ यहाँ का मुख्य प्रसाद है और कुड़नी में भर करके लोग लाते हैं, जिनका जो है जो भी मांगते हैं उनका मन्नत जो है पूरा हो जाता है। और ब्रह्म बाबा का महिमा है, जो भी लोग यहाँ आए हैं खाली हाथ नहीं गए हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की समृद्धि होती है, जस की प्राप्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। जो भी जिस प्रकार के मन में भाव लेकर के आता है उसी प्रकार से जो है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरा नाम अनिल तिवारी, तीर्थकौल ब्रह्म स्थान के पुजारी। धन्यवाद बाबा। तो गाइज आप लोगों को बता दे कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मतलब नामी ग्रामी लोग आते हैं यहाँ से दर्शन किए बिना नहीं जाते हैं। जी आर स्वामी हो गए, कोई भी हो गए तो यहाँ पर जरूर आते हैं और यहाँ से इनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो फ्रेंड आप लोग भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर अपना आशीर्वाद जरूर लें ब्रह्म बाबा से, ब्रह्म बाबा की कृपा बनती है। सर आप लोग भी बताइए ब्रह्म बाबा के बारे में कि कितना ज़्यादा भीड़ लगता है और क्या। ब्रह्म बाबा की इतनी चलती है, साल में 11 महीने से ऊपर और एक महीना जो ये बसंत पंचमी का अवसर है इस पर इतनी न भीड़ होती है। वो तो साधारण भीड़ रहता लेकिन इतनी न भीड़ होती है कि यहाँ पर खड़ा होने के लिए जगह नहीं रह जाता है। यहाँ कलकत्ता से लेकर के धनबाद बोकारो माने गिनाने से गिनती नहीं होगी, इतना ना आदमी आते हैं, इतना ना पुजारी आते हैं यहाँ पर भक्त लोग। और उन भक्तों के ऐसी इनकी महिमा है कि अपनी महिमा के बदौलत बुला लेते हैं, वे लोग आकर प्रसाद चढ़ाते हैं, अपना कुछ भखौटी भागते हैं और उनकी मन्नत पूरा होती है। और उसी मन्नत पूरा के उपलक्ष में सब लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? बलिया जिला से। Juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senorita's going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad 'cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a bitch. Guys. बलिया जिला का जलेबी बहुत मशहूर होता है, तो ये लोग बलिया जिला से चलकर यहाँ पर हमारे तीर्थकौल गांव में आते हैं और बहुत बड़ा बड़ा पंडाल लगाकर सेवा देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग मेले को सजाने के लिए। तो आप लोग भी आएँ तो यहाँ का जलेबी जरूर खा कर जाएँ। I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake. Senorita's going loco. Shake it, shake. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad 'cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico. I guess I'm like a dime bag. Got me feeling like a Millie. Check the
सब्जी ले लिए जाए, गोभी बताओ सही। 25 को लेना है। गाइस अब हम घर आ चुके हैं, लगभग आधे घंटे हो गए हम घर पहुंच चुके हैं और सब्जियां भी बहुत सारी ले चुके हैं और आज हमारे घर में एक स्पेशल डिश बन रहा है। सो गाइस आप इंतजार करें, आपको दिखाएंगे डिनर में क्या बन रहा है। तो गाइस अभी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। स्पेशल डिश है इडली एंड सांभर एंड चटनी। सो गाइस हमारा आज रात का डिनर आ चुका है और ये है इडली सांभर चटनी और हम और भैया खाएंगे। Five minutes later. मैं अपना डिनर कंप्लीट कर चुका हूँ। ये देखिए 11:43 हो रहे हैं और मैं भी अब जा रहा हूँ सोने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।